हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। अभी अपन बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कि जो अपने सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ओके, उनके बारे में भी अपन बात कर रहे हैं। देन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सम टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर लाइक नाइलॉन, ओके, नाइलॉन हम पढ़ चुके हैं। देन रेयन, ओके, एक्रिलिक, एट्सेट्रा, ओके, इन सभी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। डन। एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अभी अपन जो सिंथेटिक फाइबर है उसके एडवांटेज के बारे में भी अभी अपन जानते हैं। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेज। अभी अपन क्या करेंगे, अपना जो सिंथेटिक फाइबर है, अपने को पता ही क्या होता है, इसके बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं, ठीक है, जिस वजह से अपन क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में अपन किसका यूज़ करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स का, ओके। नाउ अपने को पता अगर किसी चीज़ के अपने को बेनिफिट मिलते हैं तो उससे अपने को डिसएडवांटेज भी उसके साथ में होते हैं। देन नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। डन, ओके। और टुडेज टॉपिक इज डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर डन। नाउ इससे अपने को कौन कौन से हार्म्स हो सकते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज का मीन क्या हो गया, अपने को बेनिफिट तो इससे बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अभी अपन देखेंगे कि इससे अपने को हार्म कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में ये अपने को हार्म कर सकता है, ठीक है, कौन से नुकसान हो सकते हैं सिंथेटिक फाइबर से, ओके। अपन सभी जानते हैं कि जो अपने नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनमें क्या है, बहुत सारे अपने को बेनिफिट मिलते हैं, वो अपनी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है, अपने वेदर के अकॉर्डिंग भी अच्छे होते हैं वो, ना, लेकिन अपन वो मतलब कुछ चीज़ें हैं उनमें जो अपन नेचुरल फाइबर्स है वो अपन फुलफ़िल नहीं कर पाते, कुछ नीड्स ऐसी हैं तो जो फुलफ़िल नहीं कर पाते, सो दैट वी यूज़ सिंथेटिक फाइबर्स, ओके, इसीलिए अपन क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं, ओके। नाउ भी सिंथेटिक फाइबर का अपन यूज़ करते हैं बट उसके भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ हार्म्स उसके होते हैं, ओके। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट, फर्स्ट सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें स्टिकी बिट्स होते हैं, ओके, और ये क्या होता है, जल्दी से मेल्ट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, जल्दी से मेल्ट हो सकता है, ठीक है, जब इसको हाई टेम्परेचर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, जल्दी से मेल्ट हो जाता है और ये बर्न भी हो सकता है, ठीक है। जब भी अपन आप जब किचन में इन क्लोथ्स को पहनते हो, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लोथ्स को अगर आप किचन में पहनोगे तो क्या होगा, इसका हाई रिस्क रहता है, आप क्या करोगे, इसका हाई रिस्क रहता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको इससे अगर प्रिवेंट करना है तो आपको इन चीज़ों का आपको अवेयर रहना होगा इसके लिए, ठीक है, ये क्या है, जल भी सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका सबसे बड़ा, स्पेशली जब किचन में जब आप काम कर रहे हो तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, या तो आप इसको पहनो ही मत, ठीक है, फिर भी आप अगर पहन रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से केयरफुली इसमें काम करना है, क्योंकि ये बर्न हो सकता है जब इसको हाई टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, जब इसको हाई टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। डन, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। देन सेकेंड वन इज, सेकेंड वन अपन देखते हैं कि ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है, आपने विंटर सीजन में कभी ऐसे देखा होगा कि आपने अपने क्लोथ्स पे आपने स्पार्क्स होते हैं, ठीक है, आपके क्लोथ्स को अगर आप क्या करोगे, उनको एक दूसरे को अगर रफ़ करोगे, अगर आपने टू क्लोथ्स लिए और उनको ऐसे रफ़ करोगे, जब आप रफ़ करोगे तो स्पार्क्स दिखेंगे, इट मीन्स आपको ऐसे लगेगा जैसे इसमें आग जल रही है, ठीक है, आपको ऐसे लगेगा जैसे इसमें आग जल रही है, तो वो जो स्पार्क्स होते हैं, ठीक है, वो किस वजह से होते हैं, ये जो स्पार्क होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, आपके क्लोथ्स में जो स्पार्क्स होते हैं, ठीक है, आपने ब्लैंकेट्स में देखा होगा जब आप उनको क्या करते हो, रफ करते हो तो उसके अंदर स्पार्क्स
बनते हैं, ठीक है। और ये क्यों बनते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इनमें होता है। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है? इसमें स्पार्क है वो बनाता है। तो ये स्पार्क क्या कर सकते हैं? इसकी वजह से कुछ ही लोगों को स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, एलर्जी वगैरह इससे हो सकती है। डन। तो ये क्या हो गया? इसका सेकेंड डिसएडवांटेज हो गया। ओके नाउ और नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका है वो क्या हो गया? ये क्या है? जैसे अपने नेचुरल फाइबर अपने को क्या करते हैं, स्वीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, अपने रेनी सीजन में भी कंफर्टेबल होते हैं, विंटर में भी कंफर्टेबल होते हैं और समर में भी कंफर्टेबल होते हैं। बट ये जो सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या करते हैं, एक तो देखो आपका जो स्वीट होता है, स्वीट को वो इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जितना नेचुरल, जितना अपना कॉटन फाइबर है वो एब्जॉर्ब करता है, उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये क्या होता है, रेनी सीजन में होता है, ठीक है। ये स्वीट को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और अपना जो वेट मतलब जो वाटर है उसको भी इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो आपको वेट फील होगा, ठीक है, सफोकेशन आपको होगा। तो उससे क्या हो जाता है, और एक समर सीजन में भी आप ये स्वीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उस वजह से आप क्या करते हो, समर सीजन एंड रेनी सीजन में आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है। रेनी सीजन में और समर सीजन में आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल। अब आपको पता है रेनी सीजन में भी जब आप गीले हो जाते हो, जब वो जल्दी से ड्राई नहीं होता, आपके क्लोथ्स अगर उस गीलेपन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। वैसे ही समर में आपको पता है आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा उसमें स्वीट होता है, ठीक है, स्वीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, अगर उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। डन। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, सॉरी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, इनमें जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं अपने कौन कौन से हो गए, कॉटन एंड वुल, इनको क्या किया जाता है, इसमें मिक्स किया जाता है। डन। नाउ और नेक्स्ट, ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वन ऑल्सो। देन और नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गई। इट मीन्स ये क्या हो गए, अपनी जो इन्वायरमेंट है, अपने सराउंडिंग अगर ये रहेंगे तो ये क्या करेंगे, उसको भी हार्म करेंगे, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होंगे। ओके लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, ये क्या होता है, मेल्ट हो सकते हैं, बर्न हो जाते हैं, क्योंकि जब इनको हाई टेम्परेचर मिलता है तो ये मेल्ट हो सकते हैं और बर्न हो सकते हैं। इसीलिए जब स्पेशली किचन में इनका हाई रिस्क रहता है, अब आपको पता है किचन में तो आपका जो काम है वही कैसा है, हाँ, तो उसमें तो टेम्परेचर होगा ही, तो वहाँ पे ये बर्न हो सकते हैं, तो इसको आपको प्रिवेंट करना होता है। नेक्स्ट इसमें स्पार्क्स बनते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, ठीक है, और इनकी वजह से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। सम पर्सन्स हैव स्किन प्रॉब्लम्स, कुछ लोगों को इससे क्या हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। डन। नाउ जो स्वीटिंग है उनको मतलब नेचुरल फाइबर्स के कंपेरिजन में ये उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसीलिए इनके साथ में कॉटन एंड वुल मिक्स किया जाता है। डन। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो अपने इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होते हैं। डन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लास्टिक्स, अभी अपन बात करेंगे कि जो प्लास्टिक्स हैं, ओके प्लास्टिक्स भी क्या है, अपना एक सिंथेटिक फाइबर, मतलब आप उसको टाइप बोल सकते हो, एक क्या एक पॉलीमर है जो किससे बना होता है, जो पॉलीथीन है, इट मीन्स ये एक पॉलीमर है। नाउ प्लास्टिक्स, ओके नाउ वी आर डिस्कस अबाउट प्लास्टिक्स। प्लास्टिक जो वर्ड है वो किससे बना हुआ होता है, अपना जो लैटिन वर्ड है प्लास्टिकोस से मिलके बना हुआ होता है, किससे बना हुआ है ये, प्लास्टिकोस। प्लास्टिकोस का मीन क्या हो गया, प्लास्टिकोस का मीन क्या है, टू फॉर्म, इट मीन्स कुछ बनाना, ठीक है। प्लास्टिकोस का मीन क्या हो गया, कुछ टू फॉर्म, ओके। तो अपन समझ सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो क्या करता है, उसमें आप क्या कर रहे हो, मतलब कुछ बनाना, उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। डन। एंड
ये किससे बना हुआ है? प्लास्टिकोस से बना हुआ। प्लास्टिकोस का मीन क्या हो गया? टू फॉर्म समथिंग, ठीक है। जब आप कुछ आपको बनाना है इसका मतलब, और ये बनता किससे है? पेट्रोलियम गैस एंड किससे बनता है ये? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इट इज फॉर्म बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, इनसे मिलके क्या बनता है? प्लास्टिक। डन। अभी अगर अपन अदर वर्ड्स में अगर इनकी बात करें, अदर डेफिनेशन में अगर अपन इसकी बात करें, तो ये क्या होता है? इट मीन्स प्लास्टिक मटेरियल। दैट प्लास्टिक क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल होता है दैट कैन बी हीटेड, जिसको आप क्या कर सकते हो? हीट कर सकते हो। ओके, दैट कैन बी हीटेड एंड मोल्डेड। और आप उसको क्या कर सकते हो? हीट करके आप उसको मोल्डेड कर सकते हो, मतलब उसको आप कोई भी शेप दे सकते हो। जब आपने उसको हीट किया, हीट किया तो ये क्या होगा? मेल्ट होगा। मेल्ट होगा तो आप इसको कोई भी शेप दे सकते हो, कुछ भी इससे बना सकते हो। तो इस टाइप का जो भी मटेरियल होता है वो क्या हो गया? अपना प्लास्टिक्स। ओके, व्हाट वी कैन से दैट? वी कैन से दैट प्लास्टिक्स। ओके, इट मीन्स ये क्या होता है? इट कीप्स मोल्डेड शेप। ये क्या होता है? इसको मोल्ड करके आप इससे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आप इनसे बना सकते हो, ठीक है। एंड प्लास्टिक मटेरियल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस। इसकी जो शेप है वो भी डिफरेंट शेप में आपको ये मिल सकता है, एंड डिफरेंट साइजेस में भी ये आपको मिल सकता है। देन ओके, देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक इट मीन्स ये लेटिन वर्ड प्लास्टिकोस से मिलके बना हुआ होता है। प्लास्टिकोस जो वर्ड है उससे ये बना हुआ होता है। उसका मीन क्या होता है? टू फॉर्म। और अपन बनाते कैसे इसे? ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये ऐसा मटेरियल है जिसको आप हीट कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो, उसके बाद आप इसको मोल्ड करके न्यू सब्सटेंस इससे आप बना सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। इट मीन्स जब आप इसको मोल्ड करोगे तो इसका कंपोजिशन चेंज, इट मीन्स उसमें कंपोजिशन तो वही है लेकिन आपने इसको अलग शेप दे दी। इट मीन्स आपने अलग मटेरियल बना लिया। डन। ये इसके डिफरेंट शेप और साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। डन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में अपन बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। डन। नाउ और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ये क्या होता है? इट इज लाइट वेट। इसका जो वेट होता है वो कैसे होता है? अपने को पता, आप भी देखते हो जो प्लास्टिक सेटमेंट्स जो पॉलीथीन है होती हैं, ठीक है, वो क्या प्लास्टिक की है, तो इनका जो वेट होता है वो क्या होता है? लाइट वेट होता है। एंड इट डज नॉट रस्ट। डज नॉट रस्ट। और इनमें रस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। लाइक आयरन आपका कुछ टाइम तक अगर आप उसको रखोगे तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, लेकिन ये स्पॉइल नहीं होता। इट मीन्स इसमें रस्ट नहीं होता है। एंड अदर देन ईजी टू हैंडल, इसको हैंडल करना भी ईजी होता है। ईजी टू हैंडल, दिस इज देयर लास्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एंड देन एज वी नो दैट दिस इज रीयूजेबल। अपने को पता है एक बार आप प्लास्टिक की मतलब अपने पास पॉलीथीन है तो आप क्या आपने क्या किया? मार्केट से इसमें कोई भी अपने मटेरियल डाल के आप लेके आ गए, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो? इसको फिर से इसको खाली करके आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज़ रीयूजेबल। ये क्या होता है? रीयूजेबल होता है। डन। एंड इट इज़ अ नॉन रिएक्टिव। आप इसको कहीं भी यूज़ करो, ठीक है। आप जब भी इसको यूज़ करोगे तो जिस प्रोडक्ट को आप इसमें यूज़ करोगे वो उसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? नॉन रिएक्टिव। ओके, इट इज नॉन रिएक्टिव। ये क्या हो गया आपका? नॉन रिएक्टिव हो गया। डन। एंड दैट इज, ये क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या होता है? हीट का पुअर कंडक्टर होता है। इसीलिए आपको पता है आपके जो भी अपना किचन है उसमें मोस्टली जो
कंटेनर्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? प्लास्टिक के, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। इट मीन्स इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती और इसमें से हीट भी है वो फ्लो नहीं होती। अपने को पता है जब अपने जो कंटेनर होते हैं तो वुड या फिर प्लास्टिक से उनके जो हैंडल होते हैं वो बनाए हुए तो क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और इसके अलावा अपने जो वायर्स वगैरह आप देखते हो आपके अपने हाउसेज में या बाहर भी अगर आपने देखे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, प्लास्टिक का कवर होता है। इट मीन्स ये पुअर कंडक्टर है प्लास्टिक का। डन। नाउ एग्जाम्पल, अगर अपन इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बहुत सारे अपने सराउंडिंग बहुत सारे थिंग्स आप देखते हो जो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, ठीक है, लाइक टॉयज़ हो गए, आप प्लास्टिक के टॉयज़ भी देखते होंगे, ठीक है, जो स्मॉल किड्स होते हैं उनके टॉयज़ होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। डन। एंड बॉटल्स, चेयर्स, प्लास्टिक के चेयर्स भी आप देखते होंगे एंड एटसेट्रा। ओके, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप काफ़ी सारे ले सकते हो आप, ठीक है, लंच बॉक्स हो गया। ओके, देन दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, ये क्या होता है, इनमें लाइट वेट होता है एंड डज नॉट रस्ट, इनमें रस्टिंग नहीं होती है, देन इजी टू हैंडल, इसीलिए इनको हैंडल करना भी इजी होता है, रीयूजेबल, आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो, एक बार यूज़ में लेने के बाद में आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। ओके, और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये उसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, देन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इंसुलेट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, इट मीन्स उसको फ्लो आउट नहीं होने देता है। टॉयज बनते हैं इसे, बॉटल्स बनती है, चेयर्स बनते हैं, कुछ डोर्स भी बनते हैं। ओके, एंड वी हैव सो मैनी थिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड प्लास्टिक्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।